नमस्कार दोस्तों, आइए हम चलते हैं श्री धाम वृंदावन और वृंदावन की भूमि पर हम करते हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन के दर्शन। दोस्तों, कहा जाता है यह वृंदावन में स्थित है और आपको बता दें कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस इस्कॉन द्वारा निर्मित पहला मंदिर होने के लिए स्वीकार किया जाता है। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है और यह मंदिर कृष्ण मंदिर के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्कॉन पंथ द्वारा 1975 में निर्मित मंदिर की स्वयं नींव स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक ने रखी थी। दोस्तों, यह मंदिर वृंदावन में रमण रेती में स्थित है। मंदिर तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से नियमित परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस है। दोस्तों, इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सन 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस समाज की मूल मान्यताएं भगवत गीता पर आधारित हैं। इस्कॉन मंदिर का संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, जहां वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु की पूजा और गौड़ का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश से है। माना जाता है कि इसी जगह से वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों और कार्यों को समर्पित है। दोस्तों, जिसमें भक्ति योग का अभ्यास प्रसार करने के लिए इस्कॉन संस्था बनाई गई थी। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस्कॉन के उपदेश और प्रथाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु 1448 से 1532 द्वारा शुरू किया गया और संहिताबद्ध किया गया था। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। माना जाता है कि स्वामी प्रभुपाद भारत के कई जगहों पर इस्कॉन मंदिर बनवाना चाहते थे। उसके बाद 1975 में उन्होंने वृंदावन में यह मंदिर बनवाया था। मंदिर के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 1977 में मृत्यु हो गई। मंदिर परिसर में उनका स्मारक बनाया गया है। यह मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम बताते हैं आपको इस्कॉन मंदिर से जुड़ी कथा। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, वहाँ पर ही खेल खेलते थे। इस जगह पर उन्होंने गोपियों के साथ लीलाएं की थीं। ठीक उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया। यह स्थान श्री कृष्ण और बलराम के बचपन की विभिन्न कहानियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ आपको दोनों की ही मूर्ति देखने को मिलती है। इस्कॉन मंदिर सर्वश्रेष्ठ संगमरमर के मेर रज से बना हुआ एक सुंदर मंदिर है। पर हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में तीन वेदियाँ हैं। इस्कॉन आइकॉनिक के मध्य में श्री कृष्ण और बलराम की पवित्र आत्माएं हैं। मंदिर का वातावरण शाम होने वाले श्री कृष्ण आरती को लोकप्रिय बनाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं। दोस्तों, मंदिर में नित्यानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु और धात्विक गुरु स्वामी देव गुरु और धात्विक स्तंभ है। यह मंदिर आपको कृष्ण के चरित्र की विशेषताओं के बारे में बताता है। अंदर का वातावरण बहुत ही तनाव मुक्त है। यहाँ श्रद्धालु शांति के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इस मंदिर का उल्लेख इस्लाम धर्म की किताब में भी देखा जा सकता है। इस मंदिर का जो मेन मंत्र है वो बहुत ही प्यारा और मनमोहक मंत्र है। आप भी आएं तो इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र यह है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, चलिए आप भी आइए इस मंदिर के करिए भव्य दर्शन। बहुत ही प्यारा मनमोहक दृश्य है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फॉरेनर लोग देखने को मिलेंगे। आइए श्री धाम वृंदावन की इस पावन भूमि पर इस्कॉन मंदिर के आप भी भव्य दर्शन करें और इधर का भव्य नज़ारा देखें कि किस प्रकार से इधर की झांकियाँ हैं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर देखते हैं। धन्यवाद।